नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ओजस्वी मंजावी ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। आपको बता दें कि नक्सली हमले में पूर्व विधायक भीमा मंजावी की हत्या के बाद भाजपा ने ओजस्वी मंजावी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की देवती कर्मा और बीजेपी की ओजस्वी मंजावी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला होने की संभावना है। उम्मीद तो जाहिर की जा रही है कि बीजेपी बस्तर से इकलौती दंतेवाड़ा सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी, तो वहीं कांग्रेस और कर्मा परिवार अपनी साख की लड़ाई दंतेवाड़ा चुनाव में लड़ेगी। जयपुर हाईकोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए से केस वापस लेने को लेकर लिखी याचिका पर सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर किया है और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी। बता दें कि विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की मामले में याचिका लगाई है और याचिका में कहा गया था कि एनआईए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है और केस वापस नहीं कर रहा। याचिका में यह भी कहा गया कि ये गणपति और रमन जैसे बड़े नक्सली लीडर का नाम था, लेकिन एनआईए द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई तो दोनों बड़े नक्सली लीडर के नाम गायब रहे। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में 30 से ज्यादा लोगों की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। के लिए केंद्रीय सरकार को, पर 2016 दिसंबर में केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जिस बात को राज्य सरकार ने दबा दिया। अभी जब सरकार बदली और कागज उथल पथल हुए तो ये समझ में आया कि इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराएगी, इस केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है। तो वापस राज्य सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया और ये मांग की कि केस डायरी जो है वो उस एसआईटी को दिया जाए ताकि जो कॉन्स्पिरेसी पार्ट है उसकी जाँच हो सके। भारत सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर पेनल्टी का भुगतान पुरानी दरों के ही आधार पर करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था की है, तो वहीं कुछ लोग नए नियमों की सराहना कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे तानाशाही बता रहे हैं। आपको बता दें कि नए एक्ट के तहत ज्यादातर जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है और नए नियमों के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की जगह 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1,000 की जगह 10,000 रुपए चुकाने होंगे। ने अधिसूचना जारी नहीं किया है, इसलिए हम लोग अभी पुराने के हिसाब से ही चलानी कार्यवाही कर रहे हैं और जब नया आ जाने के बाद ही हम इसमें नए नियम के अनुसार में चलानी कार्यवाही कर रहे हैं। आरएम की ग्राम पंचायत बैहार में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी से सरपंच निर्मला साहू के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें ग्रामीणों का आरोप था कि सरपंच निर्मला साहू द्वारा शौचालय निर्माण की राशि की बंदरबांट की गई है और हितग्राहियों से पैसे भी मांगे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से 1,000 रुपए भी ले लिए गए। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम ने अपने अधिकारों को जांच के निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को दिए हैं और जिसमें सरपंच पर लगे आरोप सही पाए गए, तो वहीं मामले में सरपंच ने कार्रवाई से बचने के लिए अपर कलेक्टर के कोर्ट में अपील दायर कर दी, जहां मामले की कार्रवाई में देरी होने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। बना के गांव में जांच के लिए भेजे थे, उसमें सही पाया गया है और आज मामला एसडीएम ऑफिस में लंबित है और धारा 40 बिहार के द्वारा अनियमितता किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस अनियमितता भ्रष्टाचार शौचालय से संबंधित था, जिसकी शिकायत एसडीएम ऑफिस में हुई थी, पाई गई थी, यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया था और जांच पश्चात उनको यहाँ से नोटिस जाना था। इसी बीच में वहाँ अपर कलेक्टर महोदय के सामने उनके द्वारा याचिका दायर की गई है और वो मूल प्रकरण जो है वो अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने छत्तीसगढ़ राज्य से बस्तर को विशेष लाभ नहीं होने की बात कहते हुए बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से बुलंद कर दी है। मध्यप्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य को बने 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद बस्तर के आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं आज तक नहीं मिल पा रही हैं, जिसके खिलाफ में सर्व आदिवासी समाज पृथक बस्तर राज्य की मांग को लेकर अब जोर देने लग गया है और मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
जैसे खदानों को बाहर के जो लोग हैं उनको देने का काम सरकारें कर रही है। तो निश्चित रूप से बस्तर के लोग जो है उपेक्षित होकर पृथक राज्य की मांग निश्चित रूप से करेंगे और उसका समर्थन भी बस्तरवासी करेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ सर्वाधिवासी समाज का 23 सूत्रीय स्थायी एजेंडा मांग पत्र है जिसको निरंतर राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को निरंतर हम अवगत कराते रहे। अमित जोगी को गिरफ्तार करने की मांग को मरवाही के आदिवासियों और बीजेपी नेता समीरा पैकवा ने बिलासपुर एसपी ऑफिस का घेराव किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर एसपी प्रशांत अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें कि 7 महीने पहले अमित जोगी के खिलाफ झूठा शपथ पत्र देने के मामले में अपराध दर्ज किया गया था जिनमें अभी तक जोगी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे मरवाही वासी अमित जोगी के खिलाफ जो 420 की मामला कायम हुई है उस विषय को लेकर के हम गिरफ्तारी देने आए हैं एसपी कार्यालय। जब तक एसपी साहब उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक यही धरने में रहेंगे। या तो अमित जोगी को गिरफ्तार करें या फिर पूरे समीरा पैकरा के साथ मरवाही को टीम को गिरफ्तार करें, यही मांग को लेकर के आज हम एसपी कार्यालय में आए हैं। आज गौरेला मरवाही क्षेत्र से कुछ लोगों ने आकर के ज्ञापन दिया है। थाना गौरेला में अमित जोगी जी के विरुद्ध दर्ज अपराध है, उस अपराध में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में 1 सितंबर से लागू हो चुका है और एक्ट के प्रावधानों में अब यातायात के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल इस पर अपना रुख तय नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि एक्ट को लेकर विधि विभाग से चर्चा की जाएगी और उसके बाद सरकार अपना रुख तय करेगी। अकबर ने कहा है कि इस कानून के व्यवहारिक और कानूनी पहलू को परखा जाएगा, दोनों पर चर्चा की जाएगी। अकबर ने यह भी कहा है कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी केंद्रीय कानून प्रकाशित होते ही पूरे देश में लागू हो जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे या तो पूरा करे या फिर कानून मंजूर नहीं है तो कोई रास्ता निकाल ले। रास्ता कानून के हिसाब से ही निकलता है। पहलू है, एक तो व्यवहारिकता और दूसरा कानूनी पहलू, दोनों ही बारे में कल डिस्कशन किया जाएगा क्योंकि आम जनों की जो मांग है कि जुर्माना बहुत अधिक है उसमें एक कम्युनिटी सर्विस का के बारे में भी लेख किया गया है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि यदि आप एक पहली बार में तो आपने जुर्माना दे दिया, दोबारा यदि उल्लंघन करते आप पाए जाते हैं तो 5 दिनों तक आपको निःशुल्क आपसे काम लिया जाएगा, तो कम्युनिटी सर्विस का भी उसमें उल्लेख किया गया है। भूपेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने सहकारी समितियों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई को भाजपा नेताओं के असंवैधानिक बताए जाने पर यह कहा है कि अगर ये काम असंवैधानिक है तो भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट जाना चाहिए। अकबर ने यह भी कहा है कि भौगोलिक विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की सभी सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर रही है जिसमें लोगों की आपत्तियों को लिया जाएगा। मान लो असंवैधानिक ढंग से कोई बात होती है तो उसके लिए तो संवैधानिक यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो माननीय उच्च न्यायालय विचार करते हैं, तो विकल्प है उनके पास। देखिए ऐसा है कि पुनर्गठन स्कीम लाया गया है, इस राज्य में 1333 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। चलिए खबर खरसिया से देखेंगे जहां पुलिस ने रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 भाटा गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरोपी के घर से करीब 20 क्विंटल चोरी की कबाड़ जब्त की गई जिसमें लगभग 70,000 कीमती लोहे के एंगल पाइप और लोहे के टुकड़े बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपी विजय लाल पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट की रिमांड पर जेल भेज दिया। अंबिकापुर के सरगुजा जिले के दरीमा थाना क्षेत्र में झाड़फूंक के चलते हुई हत्या की एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया गया जिसमें पति की तो तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। पति की स्थिति नाजुक बताई जाती है जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। सुबह 9 बजे के बाद है, उस समय जब
कि मेरे ससुर जी का हल्ला मैं सुनी तो दौड़ के गए देखने के लिए। मेरे को बताने गए, दौड़ते दौड़ते मैं भी दौड़ते दौड़ते तुरंत आ गया, उसको पकड़ लिया, चाकू छीन लिया। उसने वो मेरी माँ को अंदर खत्म करके मेरे पिताजी पर हमला किया। वो बेहोशी हालत में पड़ा था जमीन में, आंगन में। उसके एवज में उसको मुर्गी या कुछ शराब वगैरह पैसा ऐसा दिया था, ऐसा उसके लड़के का कहना है। उसी पर से वो ठीक नहीं हो रहा था, उसे कहना कि मेरा बीमारी को ठीक नहीं करा। सरिया पुलिस ने उड़ीसा से आ रही कार से 28 किलो गांजा बरामद किया है और जानकारी के मुताबिक सरिया पुलिस को मुखबिर द्वारा गांजे के अवैध परिवहन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सरिया पुलिस ने उड़ीसा से सटे कंचनपुर में अपने दल बल के साथ घेराबंदी कर आरोपी को गांजे के साथ पकड़ा। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएफ एक्ट के तहत कार्रवाई में जुटी हुई है। आरंभ में एक कपड़े की दुकान में तीज की खरीदारी करने गई दो महिलाओं के पर्स चोरी हो गए। एक शातिर चोर दुकान में मौजूद भीड़ का फायदा उठाते हुए बेहद ही सफाई से दोनों ही महिलाओं के पर्सों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि महिलाएं कपड़े खरीद रही थी, आरंभ के भावना कलेक्शन पहुंची हुई थी और दुकान में काफी भीड़ थी और महिलाएं अपने भाई के साथ कपड़े खरीदने में व्यस्त हो गई और इसी बीच महिलाओं के पर्स पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक ने जब अपने दुकान के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें चोर बेहद चालाकी से इस घटना को अंजाम देते हुए नजर आए। मजे की बात तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज में वही चोर ने एक अन्य महिला के पर्स को भी बड़ी ही सफाई से साफ कर दिया। महिला उस दुकान में काम करने वाले स्टाफ की बहन है। आरंग पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। के आसपास ग्राहक ने मेरे पास आया कि उनका कुछ सामान चोरी हो गया करके, तो हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें अज्ञात लड़का चोरी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिया। फिर ग्राहक को जाके थाने में कंप्लेन। जशपुर जिले और झारखंड के गुमला जिले में आतंक का पर्याय बन चुके इश्तियाक उर्फ नागेश्वर को आखिरकार जशपुर पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी शंकर लाल बघेल ने बताया कि शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट मैनेजर को 80 लाख रुपए की वसूली के लिए फोन पर नागेश्वर ने धमकी दी थी और पैसे देने या काम बंद करने की धमकी दी गई थी। यही नहीं, नागेश्वर के लोगों ने शिवालया कंपनी के कर्मचारियों को साइट पर आकर वसूली संबंधी पर्चे देते हुए पैसे नहीं देने पर गोली से जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद शिवालिया कंपनी के मैनेजर ने सिटी कोतवाली जशपुर में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागेश्वर उसका नाम है, उसके बारे में पता लगा पुलिस को आने की उसको खबर मिली तो भागने भागी रहा जो माजा करके के पास गिरफ्तार करने पर गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि दो आदमी उन्होंने पर्चा छोड़ने के लिए भेजा था। खबर रायपुर से जहां महिला ने ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल महिला अपने पति के साथ निजामुद्दीन से रायपुर तक की यात्रा कर रही थी, तभी उसे शहडोल के पहले अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वहीं सहयात्रियों ने इसकी जानकारी टीटीई को भी दी, जहां ट्रेन के कप्तान ने डॉक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन प्रसव पीड़ा बढ़ने से टीटीई और सहयात्रियों के सहयोग से महिला का ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। इसी दौरान जब ट्रेन शहडोल पहुंची तो डॉक्टर वहां मौजूद मिले, वहीं डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। ग्राम मालवा पंचायत तहसील जिला कोंजा गांव के अमरावती रेंज में एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। युवक खेत में मशरूम तोड़ने के लिए गया हुआ था, इसी दौरान भालू ने युवक पर हमला कर दिया, जिसके चलते युवक बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह से वो 203 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचा। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वन विभाग ने युवक को 500 रुपए की प्राथमिक सहायता राशि भी दी है। बेमेतवा जिले में दो दिनों से लगातार हो रही वारदातों ने पुलिस की सक्रियता पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिला मुख्यालय में पेट्रोल पंप पर गोलीकांड के बाद नवागढ़ थाने में दो अपराध दर्ज किए गए, जिसमें पहला उठाईगिरी का और दूसरा घर से तिजोरी पेटी चोरी का बताया जाता है। जीप खुला हुआ था, उसके जो पर्स को
किसी ने चोरी कर लिया है। पर्स में एक मोबाइल था, बिंदिया थी और एक हार रखना बताती है। और जैसी सूचना मिली तो टी आई नावागढ़ वहाँ पर तत्काल पहुँच गए हैं और टावर लोकेशन वगैरह लेकर जो है कार्रवाई की जाए। दुर्ग में एक किन्नर द्वारा मासूम बच्चों को कथित रूप से गोद लेकर उसे बेचे जाने का भी मामला सामने आया। हालांकि कुछ जागरूक लोगों की कोशिश और प्रशासन की कार्रवाई के चलते बच्चों को बचा लिया गया। मामले में किन्नर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस और ज्यादा पहले से सतर्क हो गई है। और किन्नर महिला है, किन्नर है जो गया नगर दुर्ग क्षेत्र में भी एक बच्ची को रखी हुई है। तो हमने रात में जाके दबिश दिया, उससे भी वहाँ पे बच्ची को रेस्क्यू किया। जो 1.5 साल की बच्ची है उसके पूछताछ में उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला और उसको चाइल्ड लाइन के सपोर्ट किया जाए, चाइल्ड लाइन वाले विधिवत रूप से कभी FIR करवा। अभी एक सूचना एक मिली थी, सूचना के आधार पे CWC चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम जो है वो अभी संबंधित जो भी एरिया है वहाँ पे जा रही है। उसके बाद जैसी पता जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से फिर आगे उसमें कार्रवाई। रायपुर शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है और इनसे हो रहे एक्सीडेंट में अभी तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं तो कभी जानवरों की। दरअसल राजधानी के मेन रोड ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक है और इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो वहीं निगम कमिश्नर शिवानंद तायल का कहना है कि आने वाली कैचुअर टीम दिन रात काम कर रही है और भी टीमें बनाई जाएंगी। रायपुर शहर में अभी 8 दल जानवरों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, 4 दल और बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन निगम का दावे की पोल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमारे पास काउ कैचर की संख्या भी सीमित है, काउ कैचर भी नए मंगवा लिए हैं तो अगले 10 दिन में हमारे पास वो पहुंचेंगे। जगह भी आइडेंटिफाई कर लिए कहाँ पर उनको रखना है, उसकी भी फेंसिंग वगैरह का काम चल रहा है। बाकी जो वर्तमान में कांजी हाउस है उसके अंदर पूरी क्षमता पे वो पशु रख लिए गए हैं तो जैसे जैसे क्षमता वृद्धि हो रही है हम इसके ऊपर भी पूरे जोर से हमारा हमला लगा हुआ है। नोरवे इलाके का एक आदिवासी युवक जो कश्मीर में एक हादसे का शिकार हुआ है जिसे अब बेहतर इलाज की जरूरत है। श्रीनगर में 1 महीने से इलाज के बाद युवक अपने गांव वापस लौटा है। युवक की आंख और पैर में गंभीर चोटें हैं। युवक कश्मीर रोजी रोटी कमाने के लिए गया हुआ था जहां वो एक हादसे का शिकार हो गया। कश्मीर गए थे कमाने खाने के लिए तो मेरे बच्चे साथ में थे तो वहां से सेब खाने गया था तो उधर से लौट रहा था तो एक पाया तो उसको हाथ में लगा तो फट गया। पीला टाइप की मिली सेब, गोल्ड टाइप का, उसको उठाया तो हाथ में फट गया। पीला प्रकार एक गोल्डन कलर में चमकीला कुछ सामान को दिखा तो लड़का उसको क्या है कहकर उठाया, जैसे उठाया तो दरियागंज जिले की 2 तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क पर बनने वाला तरवी घाट पुल का निर्माण कार्य पिछले 2.5 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। छुड़ाव और राजिम तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर हमेशा वाहनों की आवाजाही लगी रहती है लेकिन इस मार्ग पर अब तक पुल नहीं बन पाने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है जबकि बड़े वाहनों को तो 20 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है और इस मार्ग से गुजरने के लिए दोपहिया वाहन चालक कई बार जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच से ही अपने वाहन निकालने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसे में पुल निर्माण में लेट लतीफी होने से ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ौदा बाजार में भी भगवान गणेश की आराधना प्रारंभ हो गई है जहां नगर के प्रत्येक गांव में बच्चों से लेकर युवा मंडली गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं कॉलोनियों के और सीमेंट कंपनी के प्रबंधकों ने भी गणेश की मूर्ति की स्थापना की और विघ्न बाधाओं
को दूर करने के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। रायपुर सहित पूरे देश में आज से गणेश चतुर्थी उत्सव का आगाज हो चुका है, जहां गणेश उत्सव के कार्यक्रमों के दौरान बहुत सी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गायन, चित्रकला, भजन, संध्या जैसी अन्य प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। और इस बार शहर में अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं, कहीं पर्यावरण और कहीं स्वर्ग नर्क की थीम भी है। जैसे अपने मूर्ति बनाने से हम लोग का मूर्ति बनाना का काम है, हम लोग काम पूरा तैयारी चल रहा है, पूरा काम पूरा तैयारी से हो गया, तो दरिद्रता हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे शिव भगवान के रूप में है, कृष्ण भगवान के रूप में है, गणेश भगवान के रूप में है, हर किस्म की चलती है, अपने अपने हिसाब से चल जो पसंद है। बेमेथों में गणेश उत्सव के लिए चौक चौराहों में भव्य और विशाल पंडाल बनकर तैयार है। शहर के मूर्तिकार पुरुषोत्तम और पवन सिमगा सहित अन्य मूर्तिकारों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल गणेश की मूर्ति की मांग काफी बढ़ गई है। लोग नए नए डिजाइन की मूर्तियों का ऑर्डर दे रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी विघ्नकर्ता कई रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। मूर्ति के दाम ज्यादा नहीं, दाम मिलता है 4-5 हज़ार में, अभी बहुत खर्चा लगता है। और ये नौ रात में घर में केशकाल में आयोजित होने वाले भंगाराम यात्रा में क्षेत्र की देवी देवताओं ने शिरकत की। सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक देवी देवता अपने कार्यों का ब्यौरा लेकर मूंगबाड़ी स्थित कुंवरपाठ के मंदिर में बाजे गाजे के साथ जाते हैं। हम जैसे ही बस्तर राज्य में प्रवेश करते हैं, प्राचीन बस्तर राज्य में, तो ये जो घाट है जिसको तिरिन घाट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो भंगाराम देवी है, ऐसा मान्यता है कि पूरे बस्तर की जमीन में जितने भी देवी देवता वास करते हैं, उनका साल में एक बार यहाँ पर सम्मेलन होता है। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।